अरशद भाई आप हमें ये बताए कि कामन मतलब कुछ ट्रीज में हम देखते हैं तो ये इसको हम अपने सियान जबान में बोलते हैं कलील, ठीक है, ये किस स्टेज में होता है और ये कुछ दरख्त में होता है कुछ में नहीं होता है जी, ये इसके बारे में बताइए। अगर हम गांव में भी ये शौक से इस्तेमाल करते हैं पहले करते तभी ये मतलब चीज़ मतलब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हैं, आज इसके बारे में हम मुझे बताए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू सलमान भाई। इसका आंसर कुछ यूँ है कि ये जो इसको कहते हैं राइजिंस कहते हैं, ये बनता कैसे, सबसे पहले बनता कैसे, इससे पहले हम इस एक और क्वेश्चन है कि बनता क्यों है, ये इधर बाहर ये अपीयर क्यों होता है, इसका आंसर देंगे हम आपको सबसे पहले। वो ऐसा होता है कि प्लांट के अंदर आपको पता है दो किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जिनको जाइलम कहते हैं, एक फूड कंडक्टिंग टिश्यूज़ जिसको या ग्लूकोज कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम फ्लोएम कहते हैं। तो याद रखें ये जो है ना अर्ली स्प्रिंग में भी बनते हैं समर में भी बनते हैं, ये जो गम्स या राइजिंस वगैरह जो है इनकी रेट उस वक्त हाई होती है, ये बनते उस वक्त हैं जब हमारा जो ट्री के अंदर जो फ्लोएम की कंडक्शन के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो अदर पार्ट्स ऑफ ट्री में जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है तब इस तरह होता है। अगर हमारे ट्री के अंदर अगर कोई स्क्रैच हो, स्क्रैच जैसे इसको स्क्रैच कहते हैं, इसका दूसरा नाम है इन्वेजिनेशन भी कहते हैं, या कोई कट लगी होती है तब क्या होता है वो फ्लोएम के अंदर जो है ना ग्लूकोज की तो कंडक्शन हो रही है। जैसे अरशद भाई हम जो कह सकते हैं जैसे सेल प्री एग्जिस्टिंग, जब इंसान पे जब बोन या कट लग जाता है तो उसमें मतलब तो जाहिर बात है इंसान कट लग जाता है वो ब्लड की तो सर्कुलेशन होती है, अचानक देखो ब्लड फ्लो और या बाहर एक्सटर्नल फ्लो होता है, इसी तरह ग्लूकोज का एक्सटर्नल फ्लो होता है जिसकी वजह से ये शुरू शुरू में ये फ्लूड होता है, ठीक है नहीं, यानी प्री मेच्योर फ्लूड आपके हैं बाहर जब आता है तो वो ये बेसिकली ग्लूकोज है, वह प्लांट का फूड है और ये बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रहा होता है और कुछ दिनों के बाद या विद इन सेवरल आवर्स जो है ना ये गम या रेजिन के अंदर कन्वर्ट होता है जो ये बेसिकली फूड होता है। फूड में भी जो है ना ये ग्लूकोज है प्लांट का फूड था तो ये जब स्क्रैच या इमेजिनेशन की वजह से ये बाहर आया, बाहर प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर पे अगर स्क्रैचेस ज़्यादा हों तो ये इफेक्ट पड़ेगा कि उस प्लांट की हेल्थ अच्छी नहीं होगी। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये कि वो प्लांट जल्दी डाई करेगा, वजह क्या है पता है, ये जो स्टेम या जो टाल ब्रांचेस नहीं होती इन पर इस तरह होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो पोर्स से फोटोसिंथेसिस या क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेल्थ ऑफ प्लांट, तो जाहिर बात है उसका मैं इसको पूरा एंड करता हूँ, तो फिर इसके उसके हेल्थ पर जब इफेक्ट पड़ेगा तो जाहिर बात है उसकी हेल्थ डिग्रेड होगी ना इस जब स्क्रैचेस ज़्यादा होंगे, ये एक सबसे अच्छा भाई अभी आपने बताया कि फोटोसिंथेसिस, तो ये अभी सिटी में फोटोसिंथेसिस हमने तो पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस हमेशा क्लोरोफिल टॉप पे, आपने कहा ये इसमें भी होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये है ना ये प्लांट पर डिपेंड करता है कि प्लांट की एक तो स्टेज कैसी है, दूसरा प्लांट का नाम क्या है या स्पीशी कैसी है। बाज जो प्लांट होते हैं वो छोटे प्लांट होते हैं, इमेच्योर प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम्स और जिनकी ये ट्विग्स नहीं होती वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन जो मेच्योर प्लांट होते हैं जिनकी एज अबव 2 to 3 years होती है उनमें नहीं होता। अब ये जो है ये एक्चुअली ये वाटर सिक्रेसिटी एरिया के अंदर है, दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो है ना साल्ट या मिनरल की यहाँ पर डिफिशेंसी है, इसलिए ये प्लांट उम्र में तो हो सकता है ये 5 years तक होगा लेकिन तहम अब भी इसकी जो ब्रांच या ट्विग्स है ये इमेच्योर है जिसकी वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समवट हो रहा है। मेरा एक छोटा सा सामने आओ मुनीर सामने आओ, वॉल्यूम बढ़ा। ये जो पॉपुलर सिल्वा की जो दरख्त होता है जी इस पे यहाँ के जो इंडिजिनस लोग होते हैं वो वर्टिकली जो कट्स लगाते हैं जी लगाते हैं वो ये कहते हैं कि इससे जो ग्रोथ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है या ग्रोथ जो होती है वो रेट इंक्रीज हो जाती है, तो इसके बारे में बताएं कि ये कट्स का कोई रोल है, आपने तो कहा कि कट्स का मतलब प्लांट्स के लिए मतलब नुकसानदेह जी, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो प्लांट की जो स्पीशीज़ होती है ना वो स्पीशी टू स्पीशी वेरी भी करता है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलस और सेलिक्स ये दो ऐसी स्पीशी हैं जिनकी ये दोनों अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वन फैमिली सोलेसी और इनका जो ऑर्डर या सब क्लास वो आर्की क्लेमाइडी है, इनमें ये कैरेक्टर पाया जाता है कि आप जितने ज़्यादा कट्स लगाएंगे इनके एनुअल रिंग की
ग्रोथ कितनी ज़्यादा होगी। ये जिसको हम मशहूर या ब्यूरोइंग वगैरह कहते ना, उनके अंदर भी ये करेक्टर मौजूद है और बस जो ये एल एन टेस एल टी सीमा के अंदर भी ये करेक्टर मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर इन्विजिनेशन करें या स्क्रेचेस करें, क्योंकि इसकी ग्रोथ हमने बढ़ाना है। ग्रोथ बढ़ाने के लिए दो चीज़ों का एम है। एक ये है कि ये जो सीजनल जो वेरिएशंस या सीजनल जो इफेक्ट है, ये ग्रोथ या एनुअल रिंग की इन्हेंसमेंट या इंक्रीमेंट के अंदर इसका रोल होता है। स्क्रेचेस का भी रोल होता है, वो इस तरह होता है कि जारी बात है एक साल के अंदर एक ही एनुअल रिंग बनेगी। अब उसका डायमीटर वो वेरी करेगा, कभी बड़ी बनेगी, उसकी वेट कभी ज़्यादा होगी, लेकिन वो जो है ना वो मौसम और दूसरी बात वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर की वजह से भी इस पर इम्पेक्ट पड़ता है। और तीसरी बात जो है वो स्पीशी भी वो वेरी करता है कि कौन सी स्पीशी है। तो ये जो सोरेसेस स्पीशी जो है जिसमें पॉपुलस और सेरिक्स आते हैं, इसमें ये कट लगा। थैंक यू काशिप भाई।